नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेवीएन मिस्टर केएल नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ ओमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई डिजिटल क्लास। स्टूडेंट्स, आई विल प्रिपेयर दिस लेक्चर फॉर प्रोग्राम बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स एडसेम। माय सब्जेक्ट इज प्रोटेक्ट कल्टीवेशन। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट कैप्सिकम कल्टीवेशन इन ग्रीन हाउस। सो लेट्स स्टार्ट कैप्सिकम कल्टीवेशन इंट्रोडक्शन। कैप्सिकम बॉटनिकल नेम कैप्सिकम एनम, बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी एंड इज इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ चिली ग्रुप्स, जो एक चिली ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा मेंबर है। इसके बाद ग्रीन पेपर इज रिपोर्टेड टू एन द नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका। इसका जो नेटिव है ओरिजिन स्थान ट्रॉपिकल अमेरिका। इन इंडिया इट इंट्रोडक्शन इज बिलीव टू बी थ्रू द पोर्टफोलियो पोर्टुगुनी। इन इंडिया इट इज द कल्टिवेटेड कॉमर्शियल इन तमिलनाडु कर्नाटक हिमाचल प्रदेश एंड इन सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन नॉर्थ इंडिया इट इज नॉन एज शिमला मिर्च। जो नॉर्थ का जो एरिया उसमें हम जो कैप्सिकम को शिमला मिर्च के नाम से भी जानते हैं। एंड इज इन इम्पोर्टेंट समर ग्रोइंग क्रॉप एक्सट्रीमली इन द मिड हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू सप्लाई टू द प्लांट्स एंड प्लेन्स। मतलब जो इसकी सप्लाई की जाती है सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के प्लेन एरिया में। एंड इट इज द वेरियस कॉल्ड इज कैप्सिकम ग्रीन पेपर एंड स्वीट पेपर्स एंड द बेल पेपर्स एक्सेट्रा इन सेप एंड द फ्रेजेंसी। और इट इज द डिफरेंट फ्रॉम चिलीज, जिसकी फ्रेजेंसी डिफरेंट होती है चिली से। इट इज द फ्लैसी ब्लॉकी और वेरियस शेप्स मोर लाइक ए बेल। उसका बेल पेपर इसी वजह से रखा गया है कि वह बेल शेप का आकार होगा, जिसी कारण से बेल पेपर के नाम से भी जानते हैं। एंड द हैंड्स नेम द बेल पेपर्स, इसी कारण इसको बेल पेपर रखा है। इसमें द ऑलमोस्ट ऑल द वेराइटी ऑफ ग्रीन पेपर्स आर द वेरी मेड इन फजेंसी एंड सम ऑफ दीज आर नॉट फजेंसी। इसमें लगभग जितनी भी वेराइटियाँ हैं, आधी से ज़्यादा वेराइटी थी ये नॉन फजेंसी वेराइटियाँ रखी जाती है इसकी। बट कुछ मिर्च टाइप की कुछ फ्रेजेंसी भी रखी होती है इसके अंदर बेल पेपर के अंदर इसमें। एंड एज दी सच दे कैन बी यूज एज दी स्टॉक वेजिटेबल। अब हम क्लाइमेट के अंदर बात करते हैं क्लाइमेट की। तो जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन या जो पॉली हाउस होगा उसके अंदर किस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है क्लाइमेट के लिए, तो उसमें है कि द गेयर द गुड क्वालिटी एंड द बेटर यील्ड राउंड द ईयर। इसमें नेम ऑफ क्रॉप जैसे कैप्सिकम के अंदर बात करते हैं तो उसका जो डे टेम्परेचर होना चाहिए 21 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द नाइट टेम्परेचर होना चाहिए 18 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दी एंड दी ह्यूमिडिटी अगर परसेंटेज की बात करते हैं ह्यूमिडिटी में तो 60 टू 65 डिग्री परसेंटेज ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एंड दी लास्ट में जब लास्ट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये 50,000 से 60,000 के आसपास उसकी जो लक्स में उसकी क्वांटिटी नापी जाती है मेजर की जाती है वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब 50,000 टू 60,000। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में अंदर बात करते हैं। सोइल के अंदर बात करेंगे।
अच्छा, इसमें जो क्लाइमेट के अंदर बात करते हैं आगे कि हाई टेम्परेचर इज ए डिटरमिनेटर टू फ्रूट सेटिंग। अगर इसका जो टेम्परेचर हाई होगा तो इसकी जो फ्रूट सेटिंग होती है डिटरमिनेट टाइप की होती है। हाई टेम्परेचर एंड द लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इंक्रीजिंग द ट्रांसपिरेशन पुल रिजल्टिंग इन द एब्सेशन ऑफ बर्ड्स एंड द फ्लावर्स एंड स्मॉल फ्रूट्स। इसके कारण क्या होगा, इसका जो मेन जो रिजल्ट बनता है फ्लावरिंग फ्रूट का जो स्मॉल फ्रूट्स के फॉर्म में बन के बनता है, तो इसी कारण अगर हाई टेम्परेचर भी ज़्यादा जो कैप्सिकम का जो उस कैप्सिकम कल्टीवेशन के लिए नुकसान रहता है। इसके बाद मोर ओवर द हाई नाइट टेम्परेचर आर द फाउंड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई कैप्सिकम प्रेजेंसी कंटेन इन द ग्रीन पेपर्स। सोइल के अंदर बात करते हैं, द ऑल द स्वीट पेपर कैन बी ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सोइल वेल ड्रेनेज क्ले लॉम सोइल इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर ए कल्टिवेशन। इट कैन द विदस्टैंड एसिडिटी टू द सर्टेन एक्सटेंड। लेवलिंग एंड द रेज बेड हैव बीन फाउंड फॉर सूटेबल देन द सकन बेड्स फॉर इट कल्टिवेशन। इसके अंदर है कि ऑन द सैंडी लॉम सोइल बहुत ही बेस्ट होती है जो कैप्सिकम कल्टिवेशन के लिए, एंड द क्रॉप कैन बी सक्सेसफुल ग्रोन द प्रोवाइड द मैन्यूरिंग इज ए डन हैवी। अगर हम बात करते हैं सोइल्स के अंदर अगर मिक्स करते हैं FOM का, तो इससे जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की तो वह पूर्ति हो जाती है। इसी कारण FOM भी इसके अंदर मिक्स होना ज़रूरी है। एंड अगर बात करते हैं क्रॉप के अंदर इरिगेशन की, तो ये प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। टाइमिंग एंड द मॉइस्चर टेबल pH रेंज, अगर pH रेंज की बात करते हैं pH की, तो इसका लगभग 6.5 pH मान रिक्वायरमेंट होता है। बेड पेपर के अंदर बात करते हैं, तो बेड प्रिपरेशन के अंदर बात करते हैं, जो बेड प्रिपरेशन मतलब बेड किस टाइप की होनी चाहिए, रेज बेड इज ऑलवेज दी प्रिपेयर फॉर प्लांटेशन ऑफ कैप्सिकम। बेड शुड बी हाई पोरस वेल द ड्रेनेज एंड द प्रोवाइडिंग एडक्वाइट एशियन फॉर द रूट डेवलपमेंट एंड द रेज बेड फॉर कैप्सिकम प्लांटेशन शुड हैव द फ्लोइंग डायमेंशन। अगर हम टॉप विथ की बात करते हैं सोइल बेड के टॉप विथ की, तो ये लगभग ये 100 सेंटीमीटर की विथ होती है। और अगर पाथ की बात करते हैं जो दो बेड के बीच में जब रास्ता होता है उसका लगभग 90 सेंटीमीटर का पाथ होना ज़रूरी है। एंड दी हाइट की बात करते हैं अगर बेड की, तो 40 सेंटीमीटर की हाइट ज़रूरी होती है। अगर प्लांटेशन के अंदर बात करते हैं डिस्टेंस की, जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है अबाउट दी 40 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट के अंदर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। साथ के साथ ही अगर हम रो टू रो डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांटिंग मटेरियल्स। प्लांटिंग मटेरियल के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें द प्लांटिंग मटेरियल शुड बी हेल्थी एंड दी रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट। सेकेंड पॉइंट के अंदर बात करेंगे, द एज ऑफ द सीडलिंग शुड बी 35 to 40 डेज ओल्ड होना चाहिए। इसके बाद हाइट द सीडलिंग शुड भी होनी चाहिए 60 to 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर्स एंड मतलब 16 से 20 सेंटीमीटर के आसपास सीडलिंग की हाइट होना ज़रूरी है। द प्लांट शुड द प्रोसेस द गुड द रूटिंग सिस्टम। अगर जिस प्लांट के अंदर अच्छी से रूट होगी वह बहुत ही सक्सेसफुल होता है प्लांटिंग के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए। एंड द सीडलिंग शुड हैव द लिस्ट 4 to 6 लीव्स। अगर जिस सीडलिंग के अंदर जिस सीडलिंग प्लांट्स पर अगर 4 से 6 लीव्स होगी वह बहुत ही बेस्ट मानी जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए ऑन द स्टेम पर एंड द टाइम द प्लांटेशन टाइम पे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल द करेक्टरिस्टिक लाइक द फ्रूट शेप्स, फ्रूट कलर्स, प्रोडक्शन एंड द फ्रूट क्वालिटी एंड द विगर्स शुड आल्सो दी कंसिडरेड वाइल द सिलेक्शन प्लांट मेटेरियल फॉर द गुड वेराइटी ऑफ कैप्सिकम। अगर नेक्स्ट अगर बात करेंगे द वेराइटी या कल्टिवेशन के अंदर, तो देयर आर द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ ग्रीन पेपर कल्टिवेशन इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट। वंस आर इज द अंडर प्रोटेक्ट कल्टिवेशन। फर्स्ट में कॉलिपोनिया ऑन्डर, सेकेंड के अंदर बात करते हैं चाइनीज गेंद, थर्ड के अंदर गांव इसमें है वर्ल्ड बेटर,
and the Olander and Bharat. There are the some other variety capsicum such as the Early Ganth, Bullnose, King of North, Ruby Kings, Indra, Bombay and the Orebils etc. which are grown in India under the poly house. ये जितनी भी वेराइटियाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ ये सब प्रोटेक्ट कल्टिवेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि पोली हाउस ग्रीन हाउस इनके अंदर ग्रो करवा सकते हैं. लास्ट हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग एंड द यील्ड. हार्वेस्टिंग के अंदर बात करते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ द कैप्सिकम इज ए डन एट द ग्रीन के अंदर जो उसकी जो ग्रीन जो इसकी स्टेज होती है उसी समय पर उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं. इसके बाद में ब्रेकर एंड द कलर जब उसका जो कलर चेंज होता है रेड में या येलो में उसी समय भी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. इसमें है द इट द डिपेंड अपॉन द पर्पज फॉर इट द ग्रोइंग एंड द डिस्टेंस फॉर द अल्टीमेटेड मार्केट. मार्केट की डिस्टेंस पर हम उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है. अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें ग्रीन टाइप की जो फ्रूट होता है उनको कैप्सिकम जो कैप्सिकम की उसकी उसी अवस्था पर उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. अगर लॉन्ग डिस्टेंस की जगह पे बात करते हैं तो उसमें ओनली येलो या रेड कलर की जो कैप्सिकम होते हैं उसी पर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. इसमें इन इंडिया फ्रूट आर द हार्वेस्टेड एट द ब्रेक स्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट एंड फॉर द लोकल मार्केट इज ए बेटर टू हार्वेस्ट कलर स्टेज एंड मतलब कलर रेड स्टेज के अंदर बात करते हैं. अगर लोकल मार्केट की बात करें इसमें द ब्रेकर स्टेज इज द वन देन द 10% ऑफ द फ्रूट सरफेस इज कलर एंड व्हेन द मोर देन द 90% ऑफ द फ्रूट सरफेस इज ए कलर रेड है ना. इसके बाद में इट इज द कंसीडर्ड इज द कलर रेड स्टेज जो धीरे धीरे ये कलर रेड स्टेज में बनता जाएगा. इसमें द हार्वेस्टिंग स्टार्ट आफ्टर द 60-67% डेज के आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग. ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 60-75 दिन के आसपास की आसपास में हार्वेस्टिंग का टाइम मतलब बन जाता है. द शुड बी डन द विद द हेल्प द शार्प नाइफ. अगर शार्प नाइफ के थ्रू इसको हम यूज कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए. एंड द हार्वेस्टिंग एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ द मैच्योरिटी केयरफुल एंड द मिनिमल हैंडलिंग ऑफ द प्रोड्यूस विल हेल्प द मेंटेनिंग बेटर फ्रूट्स क्वालिटी एंड द रिड्यूस द स्टोरेज लॉसेस. क्योंकि अगर हम केयरफुल अगर उसकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो इससे हम स्टोरेज लॉस को भी कम कर सकते हैं फ्रूट क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं और इसके बाद जो रिक्वायरमेंट डिमांड होती है मार्केटेबल की वो उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके बाद हार्वेस्टिंग इज द जनरली डन द ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग हाउस. अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो मॉर्निंग को या इवनिंग टाइम पे हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी होता है. ये बहुत ही बेस्ट मेथड है. इसके बाद अवॉइड द हार्वेस्टिंग इमीडिएटली आफ्टर फॉगिंग टू चेक द डिजीज पेस्ट अंडर द कंट्रोल एंड द मेंटेनिंग द बेटर कीपिंग क्वालिटी ऑफ फूड्स. द जनरली हार्वेस्टिंग ऑफ द कैप्सिकम इज डन बाई स्किल वर्कर या फिर स्किल वर्कर इन द ग्रीन हाउस एंड द कैप इज द प्लास्टिक कंटेनर एंड द सेंड टू द पैक हेल्स. यील्ड के अंदर बात करते हैं इसकी लगभग एवरेज जो यील्ड होती है कैप्सिकम की 6-8 kg पर प्लांट के बेसिस पर रिक्वायर मतलब यील्ड प्रोवाइड होती है पर प्लांट से. थैंक यू स्टूडेंट्स.